उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। राजकीय अर्थ राजकीय चालक परिचालक महासंघ हिमाचल प्रदेश की एक बैठक नाहन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष अनिल गौतम ने की। बैठक में चालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। राजकीय अर्ध राजकीय चालक परिचालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गौतम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज चालक वेतन विसंगतियां दूर करने को लेकर लगातार प्रदेश सरकार के समक्ष मामला उठा रहे हैं। इसके अलावा सचिवालय में तैनात चालकों की तर्ज पर वेतन व अन्य भत्ते देने की भी मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की गई है। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर महासंघ लगातार राज्य सरकार के समक्ष समय समय पर मामला उठाता रहा है, लेकिन आश्वासन के अलावा महासंघ को अभी कुछ हाथ नहीं लगा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्द महासंघ की मांगों को लेकर समाधान करने की गुहार लगाई है। हमारी समस्याएं तो थोड़ी जो एक तो वेतन विसंगति की चली हुई वो सभी कैटेगरी की है, हमारी भी वेतन विसंगति की हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे दी है और उसके लिए सरकार ने भी कमेटी गठित कर दी है और बहुत जल्दी ही 30 अप्रैल उसने लास्ट डेट दी है जो कि जो कमेटी बनी है फाइनेंस सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में और उसको जो है उसमें उनकी वेतन विसंगति के बारे में जो समस्या है उनका जो निदान करने के लिए जो कमेटी बनी है वो 30 अप्रैल को अपनी अंतिम रिपोर्ट हिमाचल सरकार को सौंप देगी। ये जो मेन मांग थी यही थी और बाकी जो हमारे चालकों की मांगे हैं हम चाहते हैं कि जो सेक्रेटरी के चालकों के बराबर 8 बार हमें भी दिया जाए, जैसे स्पेशल पे है, वृद्धि भत्ता है, ये दोनों हमारी मुख्य मांगे आज तक रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी हमें आश्वासन दिया है कि जरूर हमारी इन समस्याओं का निदान करेंगे।